वही खबर किशनगढ़ से आ रही है, जहां परिवहन आयुक्त रवि जैन आज किशनगढ़ पहुंचे हैं। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की चेकिंग व निरीक्षण की जा रही है। डीटीओ किशनगढ़ मुकुल शर्मा, इंस्पेक्टर जयंत शर्मा दोनों मौजूद रहे और किशनगढ़ परिवहन विभाग को 9 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य मिला है। अब तक विभाग 350 करोड़ रुपए वसूल चुका है, जबकि वाहनों का टैक्स जमा नहीं करवाने वालों पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। वाहनों की धरपकड़ में अब परिवहन विभाग लगा हुआ है।